तो भाई सीन ये है कि तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। आज मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा था, तो बस मेरा जो तीसरा चौथा ही कमेंट आया था, आई थिंक हिमांशु जी का था, तो भैया मैं वहीं रुक गया। मैंने बोला कि पहले वैसे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और दिवाली से नेक्स्ट डे मतलब दिवाली की रात से एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर मैं बस अब अपना केयर कर रहा हूँ। अब कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करूँगा, इसी वजह से थोड़ा सोशल मीडिया और इन सब से दूर था, लेकिन आज थोड़ा सा फ्री फील हुआ। मेरे को भी एक भैया उन सारे रूमों से अलग रूम दे दिया है, मैं ही पर हूँ, यही सब मेरा काढ़ा वाला चल रहा है। सारी रिपोर्ट्स करा लिए हैं, रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन बस बुखार नहीं उतर रहा है। अभी मैंने जैसे मैंने मेडिसिन खाई थी शाम को 6 बजे करीब, तो अब थोड़ा सा हल्का पसीने देखना हल्का हल्का आ रहा है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और टेस्ट भी सब नॉर्मल थे। खैर छोड़ ये सब चीज़ें हैं, घर में भी सभी का ये हाल है, निशा मम्मी गुन्नू सबका। अब तो मेरी आवाज़ थोड़ी निकल रही है, मैं तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ऐसा हाल हो गया था। अब ठीक लग रहा है, चलो फिर हाँ बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन था हेमंत भाई का, उन्होंने पूछा था कि भैया आपने जब आपका फर्स्ट डे था जब आपने ज्वाइन किया था तो कैसा रहा, मतलब उसका आप एक्सपीरियंस बताओ, मतलब आपका जो फर्स्ट डे वर्किंग थी। तो भाई मेरा ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा तो ऐसा रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मेरा डर लगता है, मैं आप सोचता हूँ तो हंसता हूँ उसके बारे में। सीन ये था कि हमारे एक गार्ड साहब है, सीनियर है, हाथरस के थे सतेंद्र, जिनको प्यार से सत्तू भाई बोलता हूँ, फिलहाल भी वो टूडला में है। और एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि एक गार्ड ऑफिस में ड्यूटी कैसे करते हैं, तो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल वो भी एक ऑफिस से वर्क कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें भी आपको क्लियर कर रहे हैं। दो क्वेश्चन हैं आज के, बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई, ठीक है इतना ही बताएंगे। तो फर्स्ट डे था मेरा, तो मैं ट्रेनिंग के बाद और अपनी लाइन ट्रेनिंग के बाद लौटा। लौटने के बाद मैंने बोला भाई अब कुछ भी अच्छा काम करने से पहले, शुभारंभ करने से पहले, तो मम्मी ने बोला था कि सबको मिठाई खिलाना और तब अपना स्टार्ट करना, सब ईश्वर का नाम लेना। मैंने कहा ठीक है, तो भाई मैं यहीं से अपने अलीगढ़ से विकास का मिठाई लेके गया था, हमारे विकास के लड्डू बहुत फेमस है, अलीगढ़ वाले कभी आओ तो खाइएगा। तो हम लोग गए, तो मैं लेके गया, मैंने सब ऑफिस में सब जगह सबको खिलाया। अब फर्स्ट टाइम हाथ में VHF आया, मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या चीज़ है, ये कैसे चलता है। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम था, LR में भी यूज़ किया था, लेकिन अब आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी बात कैसे चल रही है, क्या इंप्रेशन होना चाहिए, यह नॉर्मल, मतलब तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो सिखाया गया मैंने कि अब एक मैंने ड्राइवर साहब से पूछा था, हाँ ये एक और हंसी की बात है, मैंने कहा था कि ड्राइवर साहब मैं आपको चालक बोलूँ या मैं आपको ड्राइवर बोलूँ या मैं आपको लोको पायलट बोलूँ, क्योंकि ड्राइवर बोलूँगा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लोको पायलट थोड़ा डिसेंट लग रहा है, चालक नहीं समझ आ रहा। तो बोले कि आपको जो मैं चाहे बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लोको पायलट तो मैंने आज तक नहीं बोला, या तो चालक महोदय या फिर ड्राइवर साहब, साहेब ड्राइवर साहेब, एक रेस्पेक्ट हमेशा दी जाती है, तो वो चाहे असिस्टेंट हो या ड्राइवर हो, हम उनसे इसी तरीके से बात करते हैं। कभी नहीं ड्राइवर ना, नहीं 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 ये इम्पॉसिबल, ये बहुत गलत होगा, नहीं कभी नहीं, नहीं, नहीं चालक, ड्राइवर साहब, चालक साहब, या क्या नाम है आपका चालक ड्राइवर साहब, या दिमाग को क्या हो रहा है मेरे, चालक साहब ड्राइवर साहब लोको पायलट, है ना, तो ये सब चीज़ें। अब सीन चलो ये स्टार्ट हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो भाई, मेरा फर्स्ट डे था, मैंने सबको मिठाई मिठाई खाया, VHF लिया हाथ, मैंने आपको बताया। अब भाई डिस्पोजल होता है, पहले तो साइनोन का था, साइनोन में मैं लास्ट तक मुझे ये मतलब प्रॉब्लम आती थी कि साइनोन साइन ऑफ एक ही जगह रहता था, तो मुझे लगता था कि साइनोन इधर था, साइन ऑफ इधर था, एक ही ब्रैकेट में, तो मुझे लगा शायद साइनोन के लिए इधर दबाना है, साइन ऑफ के लिए एक ही बटन को साइड में दबाना है, लेकिन वो बाद में क्लियर हुआ ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका साइन ऑन हो गया है तो वो ऑटोमेटिक आपका क्लिक पे साइन ऑफ होगा, और अगर साइन ऑफ हो रखा है तो उसी क्लिक पे ऑटोमेटिक साइन ऑन होगा, ये मुझे बाद में क्लियर हुआ, ठीक है। तो साइन ऑन भी हो गया, VHF भी हाथ में आ गया, डिस्पोजल की भी बारी थी, तो डिस्पोजल आया, और डिस्पोजल था मेरा NTCD का, मतलब दादरी का भाई, पहली गाड़ी और NTCD। LR पे तो गए थे, पहला ट्रेनिंग वगैरह किया था और हम LR के लिए गए थे हमारे बनवारी जी के साथ, और उनका भी बड़ा अच्छा था, बनवारी जी के साथ जब मैं फर्स्ट टाइम LR पे गया था, मैं गया था
और हमारे हमारे एक भाई हैं, ठीक है, वो गए थे, अफजल भाई हमारे, हम और अफजल भाई दोनों गए थे। तो हम लोग गए तो मतलब वो इतने जेन्युइन थे हमारे बनवारी जी, आज भी हैं। तो मतलब उन्होंने जब हम लोग जा रहे थे तो बहुत सारी बातें हुआ, मतलब इवन उन्होंने जो नीम की दातुन होती है ना वो भी हमें तोड़ के देखी, लीजिए शर्मा जी ये कीजिए। तो एक ये रोमांचक भरा सफ़र था हमारा वहाँ का। तो अलार्म हमारा तब उनके साथ हो गया था। अब जब गाड़ी थी तो मैं भैया अपना मिठाई का डिब्बा लेके पहुँचा गार्ड साहब के पास, और उसमें हमारे सतेंद्र जी थे। अब सीन ये था कि पहला ब्रेक मेरा वर्किंग का मुझे छोटा मिला, और वो ब्रेक काफ़ी जिगजैग हो रहा था, जिसकी कंप्लेंट सतेंद्र भैया ने पहले शिकोहाबाद भी कर चुके थे, उससे पहले और भी कर, वहाँ पे अटेंड भी हो चुका था, फिट का मेमो मिल चुका था, लेकिन वही वाला आया पहली वर्किंग ब्रेक पूरा जिगजैग। बाप रे, अब सतेंद्र भैया भी इस चीज़ का बड़ा अफसोस कर रहे थे, यार मुझे तुम्हें तो पहले ड्यूटी आया, लेकिन ये ब्रेक तो बहुत हिल रहा है, कैसे करोगे? मैंने बोला, नहीं सतेंद्र भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, फिक्र ना करें। मैंने उन्हें लड्डू खिलाया, लड्डू खाया, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑल द बेस्ट बोला, विशेज बोले, सारी चीज़ें समझाई, कागज़ वागज़ क्या क्या चीज़ें वो तो मैं पहले देख लूँ, लेकिन उन्होंने भी अपना ड्यूटी पूरा किया। जब एक बंदा आता है तो एक गार्ड का ये ड्यूटी होता है कि उनको सारी चीज़ें बताना, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई, मैंने देखा समझा सारा चीज़ें सब पूरा उन्होंने मुझे बताया। भैया हो गया, अब गाड़ी चली, भाई साहब पहला ही झटका आया एकदम, भाई हमें तो नहीं पता था कि क्या होता है, अब तो सब पता है, झटके आते हैं, आदत हो गई है, हर एक चीज़ की सब पता रहता है कब कैसे क्या होने वाला है। तो नया नया तो आया, जब गाड़ी मूव हुई तो ऑब्वियसली आप भी जब बाइक स्टार्ट करते हो सब पिक होता है, तो लगता है तो ऐसे ही हुआ, लगा एक झटका सा, बाबू ये क्या हुआ, कोई बात नहीं ठीक है। मैंने अपना सारा बक्सा वक्सा सारा सामान अमन लगा के अपना स्टार्ट किया, ड्राइवर साहब से ऑल आउट एक्सचेंज किया और सफ़र स्टार्ट किया। अब आगे BFT और क्या नाम है आपका, एक होता है BPT, BFT ब्रेक फील्ड टेस्ट, और एक होता है ब्रेक BPT ब्रेक पावर टेस्ट। इस पर थोड़ा गाड़ी क्या होता है, फील थोड़ा उसके साथ होता है, BPT थोड़ा तेज़ गाड़ी में होता है, इससे ब्रेकिंग की प्रतिशत पता चलता था कि कितना हमारा ब्रेकिंग हो रहा है गाड़ी में। तो ये एक है, उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसमें थोड़ा झटका आया, गाड़ी क्या हो रहा है, प्लस जब गाड़ी मूव हुई तो उसमें एकदम होने लगा ब्रेक, भैया हम तुम्हारी तो हालत ख़राब, हम बोले बाप रे यार ये क्या है, ये क्या है भाई, क्या हो रहा है, कैसे होगा। होता रहा होता रहा होता रहा, NTCD पहुँचे, वहाँ पे उसके बाद खैर आगे के बाद जो भी रहा, लेकिन वो जो सफ़र था उस सफ़र में डर भी लगा था, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कि मुझे पहली बार वर्किंग बड़ा मज़ा आया, नहीं मैं काफ़ी डरा था, मैंने बोला भाई ये क्या है। लेकिन जब मैं इस चीज़ को सोच रहा था, जब मैं मतलब रनिंग रूम में आया तो बस चीज़ों को देख रहा था, तो मैंने बोला यार ये तो कुछ नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं है, एक हमारी इतना स्मूथ वर्किंग रही, हम गए वहाँ तक गए, एक सफ़र रहा, लोगों ने खूब हैंडी शेक बहुत सारी चीज़ें किया, तो एक रोमांच भरा सफर फील होने लगा। पहले मैं डर रहा था, बहुत डर रहा था, इवन थोड़ा सा मम्मी को फोन किया, मम्मी सब नहीं ऐसा, लेकिन फिर बाद में मुझे वही चीज़ एक अच्छी लगने लगी, और इतना अच्छा लगने लगा कि मैं सच बताऊँ तो बस अभी समझ लो कि ये जिस लाइक माई सोल, ट्रेन मैनेजर मेरी जॉब मेरी सोल है, ठीक है, मैं इतना अटैच्ड हूँ उससे, अगर मतलब आई इवन जैसे अगर मैं अब अभी ब्रेक देखूँगा ना तो मुझे इसकी एकदम याद आएगा, यानी मैं ड्यूटी पे जाना है ना, तो मतलब इतना है। तो वो टाइम था, तो ऐसी बात नहीं है, लगता है डर भी लगता है और फील भी होता है अरे यार ये सब क्या है, लेकिन एक दो दिन बाद सब, क्योंकि ऐसा नहीं है हर जॉब में हर जगह ये प्रॉब्लम है, तो उसे फेस करना है, ओवरकम करना है, और फिर उस एक तरीके से उसकी आदत बनाना है, और फिर अपना लाइफ को उसके साथ जीना है, क्योंकि फिर वही एक आपका ज़रिया है, और अगर आप और प्रिपरेशन करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो बस आपको उसी के साथ रहना है, उसी से प्यार करना है, उसी के साथ लाइफ जीना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस सतेंद्र भैया की बात करूँ तो देखिए सतेंद्र ये चीज़ें हैं, सतेंद्र भैया सर ऑफिस में है, एक टेम्प्रेरी बेस में है, जिस मैंने भी आपको बताया ना कुछ जैसे ट्रेन मैनेजर ऑफिस में, उसका भी रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन मैनेजर आए और कहें कि हमें ऑफिस में वर्क करना, नहीं, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को भी फिर एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पूरा फुलफिल होने के बाद ही बंदा आता है। सतेंद्र भैया के भी प्रॉब्लम है, उनके एक्चुअली बैक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है उनको काफ़ी, तो जिसकी वजह से, और एक नस का भी इशू है वो उनके हाथ पाथ में, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको अभी कुछ टाइम के लिए दे रखा है कि अभी आप एक लाइट ड्यूटी करें, तो अभी वो लॉबी पे ही है,
तो जिस दिन डॉक्टर बोल देगा तो फिर वो फील्ड पे आ जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है लाइट ड्यूटी का और उस ड्यूटी का, तो ये भी चीज़ है, मतलब आप कर सकते हैं पर परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए जब तक डॉक्टर आपके लिए कह रहा है तब। तो भाई यही चीज़ था, और आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं, बाबरे 7 बज गए यार, अभी तक काढ़ा नहीं आया हमारा, अब तक काढ़ा आ जाता। चलो हम जाते हैं, जरा बोलते हैं भाई काढ़ा वाला, बाकी यहीं पे हम सो रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, बाकी सब लोग अपना काम पे लगे हुए हैं। तो बस यही था भाई, आप देखिए एक्सपीरियंस की बात बताई, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, सबका अपना अपना होता है ठीक है, और प्लस एक वाला आपको बताया सत्यन भैया वाला, तो यही है बाकी। ठीक है फिर चलते हैं, आज ज़्यादा बात नहीं करते, अब देखते हैं अगर कुछ और क्वेश्चन मिलता है तो और अच्छे से बात करते हैं। फिलहाल बस बने रहिए और दुआ कीजिए जल्दी ठीक हो जाओ और फटाक से ड्यूटी पर जाओ और फिर अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए सरकारी मित्रों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत नमस्कार। चलिए सब लोग ख्याल रखिए, तबीयत का ख्याल रखिए, मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ सब लोग ख्याल रखिए, अच्छे से कपड़े वपड़े पहनिए और सुस्त रहिए। चलिए ठीक, जय हिंद जय भारत नमस्कार, बाय।